हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे मांडवी पाक। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, हम एक तपेली में मूंगफली के दाने को ले लेंगे। उसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे पहले। उसके अच्छी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे दाने को। अच्छी तरह से इस तरह से हमारा मूंगफली के दाने सिक जाए। तो आप देख सकते हो हमारे दाने का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और उसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे पहले। तो अब हम हमारे दाने एकदम ठंडे हो जाए उसके बाद हम इसी तरह से हम उसका छिलका निकाल लेंगे। इसी तरह से हम मूंगफली के दाने का एक एक छिलका निकाल कर तैयार करेंगे। इस तरह से हम पूरा छिलका निकाल लेंगे सब दाने में से। तो आप देख सकते हो हमारे दाने में से छिलका निकाल लिया है मैंने। तो मैंने ऊपर से पूरा छिलका बाहर निकाल लिया है। तो मैंने छिलका निकाल लिया है। उसको अब हम मांडवी के भुके में क्रश कर लेंगे मूंगफली के दाने को। इसी तरह से हमने क्रश कर लिया है दाने को अच्छी तरह से। तो मैंने सब दाने को इसी तरह से क्रश करके भूका कर लिया है दाने का। तब मैंने चाशनी लेने के लिए चीनी ले लिया है मैंने। उसके अंदर थोड़ा पानी एड कर देंगे। हम गैस की फ्लेम शुरू करेंगे अब और उसको अच्छी तरह से चीनी को पिघल लेंगे पहले और चाशनी तैयार करेंगे। तो आप मूंगफली के दाने 2 कप मूंगफली के दाने का भुका हो तो उसके अंदर हम 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी लेंगे। इसी तरह का हमारा माप होना चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा मीठा भी नहीं और अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारी चीनी अच्छी तरह से पिघल कर तैयार हो गई है।
हम अभी उसमें से पानी का भाग भी निकाल लेंगे, मतलब कि अच्छी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने थोड़ा पानी कटोरी में लिया है और चाशनी उसमें डाला है, तो आप देख सकते हो कि हमारी चाशनी अच्छी तरह से नीचे बैठ गई है। तो हमारी चाशनी इस स्टेज पर आ जाए तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम एकदम स्लो करके कर दी है और उसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स होने के बाद मैंने भुक्का जो किया था वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने फिर से थोड़ा गैस की फ्लेम चालू किया है, आप ना करो तो भी चलता है, मगर मैंने थोड़ा किया है तो अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाएगा और एक रस भी हो जाएगा इसके लिए। तो आप देख सकते हो हमारी अच्छी तरह से मिक्स होकर मांडवी पाक के लिए बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम फिर से गैस की फ्लेम एकदम बंद कर देंगे। और जो थाली में मैंने भुका किया था वही थाली में मैंने थोड़ा घी ले लिया है और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और घी लगा देंगे कि नीचे चिपके नहीं इसके लिए। और अब हम जो बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे थाली के अंदर। इस तरह से हमने थाली में अच्छी तरह से कर दिया है एक, उसके अंदर अब छोटे छोटे पीसों में हम कट लगा देंगे। इसी तरह से हम अच्छे पीस एक समान पीसों में काट लगा देंगे और ये तैयार कर देंगे हम। ये ठंडा हो जाए उसके बाद में सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ना हमारी मांडवी पाक बनकर तैयार हो गया है। तो कैसा लगा मेरा मांडवी पाक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
चलो फ्रेंड, हमने मांडवी पाक की रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है, तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। बाय बाय।